सो हम करेंगे सेट जो कि एसटेट पीजीटी मैथ्स के लिए ये सिलेबस है। सबसे पहले सेट क्या होता है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं सेट के अंदर वो वेल डिफाइंड होने चाहिए और अलग अलग होने चाहिए। नोटेशन क्या होती है? कैपिटल लेटर से हम सेट को डिनोट करते हैं, जैसे यहाँ पर ये जो ए है कैपिटल में, इसको सेट को हमने ए से डिनोट किया कैपिटल में। अब क्या है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, यानी कि सेट को रिप्रेजेंट करने के टू वेज होते हैं, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहाँ पर देखो रोस्टर फॉर्म क्या होती है, रोस्टर फॉर्म हमारी होती है सेट बिल्डर फॉर्म करेंगे पहले फिर करेंगे रोस्टर फॉर्म। जैसे कि ये है हमारा जो ओ है वो, उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एन यहाँ पर नेचुरल नंबर है, देन एक्स कोमा एक्स लेस देन फाइव, यानी कि जो एक्स है वो सेट के अंदर एक ऐसा एक्स है जो नेचुरल नंबर से तो बिलोंग करता है और फाइव से छोटा है, तो यानी कि उसके अंदर एलिमेंट्स क्या होंगे, वन होगा क्योंकि नेचुरल नंबर वन से शुरू होता है, वन टू होगा, थ्री होगा, फोर होगा, फाइव तो होगा नहीं क्योंकि लेस देन फाइव नंबर्स बोले। तो ये जो ऊपर वाली जो रिप्रेजेंटेशन है ये तो क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, और जो ये वाली रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हमने ओ इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वन टू थ्री फोर लिखा, ये हमारी रोस्टर फॉर्म होती। सो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन थी सेट की। अब ये है हमारा बिलोंग टू का साइन होता है ये, और नोट बिलोंग टू का साइन ये वाला। अब ये आगे हमें लिखें कि जो नेचुरल नंबर है उनको नोटेशन है, नेचुरल नंबर में वन से लेकर इनफाइनाइट तक आते हैं, होल नंबर्स में जीरो भी इंक्लूड हो जाता है, इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर जीरो एंड पॉजिटिव नंबर, रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं जिसमें क्यू कैसे रैशनल नंबर का मीनिंग होता है, जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, इरेशनल में हमारा जो रूट के अंदर है एलिमेंट्स होते हैं जिसके फैक्टर ना किए जा सके, अगेन रूट पी जैसे रूट टू, रूट सेवन, रूट फाइव, पाई और जो ई है वो भी क्या है इरेशनल नंबर है, रियल नंबर्स को आर से डिनोट करते हैं जिसमें रैशनल प्लस इरेशनल दोनों नंबर आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आते हैं एलिमेंट उनकी फॉर्म क्या होती है, ए प्लस आइटा बी, वेयर ए एंड बी जो बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स से, रियल नंबर्स के अंदर सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं सबसेट। अब नेक्स्ट है सबसेट। सबसेट क्या होता है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए आर द एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि जो ए एलिमेंट के सेट हैं, यानी ए एलिमेंट के जो सारे सेट हैं वो बी के अंदर होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लूँ मैं कि ए के अंदर है वन टू और ये है ए के अंदर, बी के अंदर क्या है वन टू थ्री, तो जो ए के सारे एलिमेंट है वन और टू है वो बी के अंदर है ना, यानी कि ए क्या है बी का सबसेट है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर है ए वन टू थ्री ऐसे है, यानी कि यहाँ पर भी वन टू थ्री है, यहाँ पर भी वन टू थ्री है, तो ए और बी क्या है इक्वल सेट हैं क्योंकि सारे एलिमेंट्स ए के हैं, तो हम उसको डिनोट करेंगे सबसेट भी है और इक्वल भी है, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर टू एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर थ्री एलिमेंट्स हैं, तो ये क्या ओनली प्रॉपर सबसेट है, जैसे इक्वल सेट प्रॉपर सेट में क्या है कि जो है ए के एलिमेंट, ए के अंदर जो एलिमेंट्स हो बी के अंदर सारे सारे, लेकिन बी के अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, इसलिए ये क्या है प्रॉपर सेट है, और ये अगर इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट है तो वो इक्वल सेट भी है। नेक्स्ट है पावर सेट। पावर सेट के अंदर होते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट, यानी कि जो भी मान लो कोई सेट ए है उसके जो भी सबसेट्स हैं उन सब की कलेक्शन हम कर दें तो वो पावर सेट होता है। जैसे कि ये ए सेट है जिसके अंदर वन एलिमेंट है, इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या वन, अब इसका हम सबसेट बनाएंगे, ए के सबसेट्स क्या हो सकते हैं वन के, एक तो एम्प्टी सेट होगा और एक ये ए खुद होगा, ये दो ही सेट होंगे राइट, तो यानी इसके दो सबसेट होंगे राइट, तो पावर ऑफ सेट ए में आएंगे जो भी ए के
क्या हैं, सबसेट हैं, इसके सबसेट क्या हो जाएंगे, फाई एंड ई। सो ये पावर ऑफ सेट में आ जाएंगे और ये एक नया सेट बन गया पावर ऑफ ए, इसलिए इसको हमने सेट की रिप्रेजेंटेशन में लिखा। यहाँ से एक बात तो डिफाइन होगी कि पावर सेट नेवर मी एम्प्टी, यानी पावर सेट कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता। अब सेकंड है जो एम्प्टी सेट है वो ऑलवेज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि जो एलिमेंट एम्प्टी सेट है वो हमेशा खुद का सबसेट तो होता ही है। अब ए है, अगर उसके अंदर एन एलिमेंट्स हैं तो पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, ये हमारा फॉर्मूला है 2 की पावर n। दैट मीन्स अगर मैं कहूँ ए के अंदर, ए सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स है तो पावर जो सेट है उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, तो 2 की पावर 2 यानी 4 जो हैं वो एलिमेंट्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या गया, ए के अंदर 0 एलिमेंट्स हैं यानी कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, एम्प्टी है, तो पावर ऑफ सेट में 2 की पावर 0 यानी n की वैल्यू 0। अब किसी भी नंबर की पावर 0 है तो वो उसकी वैल्यू होती है 1, यानी पावर ऑफ सेट में 1 एलिमेंट है। दैट मीन्स पावर सेट नेवर बी एम्प्टी।